पड़ोसी राज्यों में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं हिमाचल में भी कुछ एक मामले सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है, साथ ही अस्पतालों में भी कोरोना के लक्षण वाले मरीजों का कोविड टेस्ट किया जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन डायरेक्टर हेमराज बेरवा ने बताया कि जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर टेस्टिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस हमारे पड़ोसी राज्यों में बढ़ने लगे हैं और हमारे वहाँ यहाँ पर भी कमी सही, लेकिन फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो हम लोग इस सिचुएशन को देखते हुए हमने कल भी एक इंस्ट्रक्शन जारी की थी, जिसमें हमने यही अनुरोध किया था कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें मास्किंग और हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, उसकी अधेरेंस को हम लोग छोड़े ना। स्कूलों में खासकर हमने ये कहा है कि जो बच्चे अगर क्लासरूम में बैठे हैं तो दे शुड यूज़ मास्क, बिना मास्क के क्लासरूम में ना बैठे, और हैंड हाइजीन का प्रयोग वो लोग करें। साथ ही साथ अगर कोई पॉजिटिव केस आता भी है तो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो दोबारा हमने रिट्रेट की है कि उसके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करते हुए इमीडिएटली RT-PCR को प्रेफरेबली टेस्टिंग मैकेनिज्म फॉलो करते हुए उनका टेस्ट करें। कोई भी हॉस्पिटल में जो इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम है या एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के अगर कोई केस होते हैं तो उनको मैंडेटरीली उनका कोविड टेस्ट किया जाए। इस तरीके के कदम, ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमने जारी किए हैं ताकि हम लोग हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ एक बार अपने आप को अपनी तैयारियों को एक बार खुद से देख लें, और इन केस अगर केस का जंप आगे बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो हम लोग उसकी उस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हों। जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं और इनफैक्ट हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, इस पर भी हमने इंस्ट्रक्शन में साफ किया है कि यहाँ पर टेस्टिंग थोड़ी हम लोग बढ़ाएं, सो दैट ये भी पता चले कि जहाँ इस तरीके का इनफ्लो बढ़ रहा है क्या वहाँ पर संक्रमण का खतरा ज़्यादा तो नहीं है। अभी हम यही वहाँ पर करेंगे, और एक एडवाइजरी के तौर पर सब लोग जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें, और CMOs एंड DCs को सबको सरकार की तरफ से यही निर्देश गए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।